अब हम अलजबरा में दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है माइनस का 8x2, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के 3p2 से। ये एक अलजबरा का नंबर है, ये एक अलजबरा का नंबर है, और ये ऑपरेटर है जो कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब भी हम दो अलजबरा के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन तीन बातों का ख्याल रखते हैं। पहली बात, साइन हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन हमेशा साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका साइन इसके साइन से मल्टीप्लाई होगा। इसके माइनस को इसके प्लस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एक टेबल दिया गया है, एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं, एक जैसे साइन मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं, मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होके माइनस होते हैं, मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होके माइनस होते हैं, मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस, मीम से मुख्तलिफ, मीम से माइनस, और एक जैसे साइन जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ अगर हम इस उसूल को सामने रखें कि साइन साइन से मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हमें इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे माइनस। पहला काम हमने यहाँ कर लिया। पहला दूसरा, कोफिशेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका कोफिशेंट इसके कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसके कोफिशेंट को हमेशा दूसरे के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका कोफिशेंट 8 है, इसका कोफिशेंट 3 है, 8 3 ज़ा 24। और फिर ये हो गया दूसरा प्रोसेस। फिर तीसरा प्रोसेस, बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना है, बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, इसका बेस है एक्स स्क्वायर और इसका बेस है पी स्क्वायर। बेस को बेस से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो दो कंडीशन दी गई हैं, इफ़ बेस आर सेम पावर इज़ एडेड। अगर दोनों के बेस सेम हैं तो पावर्स को ऐड कर लीजिए, लेकिन यहाँ तो दोनों के बेस सेम नहीं है। तो फिर दूसरी बात, इफ़ बेस आर डिफरेंट दे आर टुगेदर। अब ये दोनों बेस क्योंकि डिफरेंट हैं, लिहाजा इनको दोनों को एक साथ हमें यहाँ रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायर और पी स्क्वायर, क्योंकि ये बेस डिफरेंट थे। मैंने लिखा इफ बेस आर डिफरेंट दे आर टुगेदर, तो हमने इन दोनों को क्या करा, डिफरेंट होने की वजह से एक साथ उतार लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास एक रकम है 3p2, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस का 7p3। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसका साइन प्लस है, सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साइन को इसके साइन से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं, लिहाजा मुख्तलिफ साइन मल्टीप्लाई होके हमेशा माइनस देते हैं जवाब। तो हमने लिखा माइनस। दूसरी बात है कोफिशेंट, कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होंगे, 3 7 से मल्टीप्लाई होके 21 हो जाएगा। और तीसरी बात, बेस बेस से मल्टीप्लाई होगा, यानी पी स्क्वायर को पी की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। इफ़ बेस आर सेम पावर इज़ एडिड, अब क्योंकि इन दोनों के बेस सेम हैं लिहाजा इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, 2 और 3 5। तो ये है
अलजबरा में दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना है, कोफिशेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होगा और बेस बेस से मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों के बेस सेम होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर दोनों के बेस डिफरेंट होंगे तो उनकी पावर जो है वो एक साथ उतर जाएंगी, पावर भी और बेस भी एक साथ उतर जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एक रकम है, फ़र्ज़ कीजिए 4x², इसको मल्टीप्लाई करना है 7x³ y⁴ से। सबसे पहले साइन साइन से मल्टीप्लाई होता है, इसका साइन प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस होता है, इसका साइन भी कुछ नहीं है तो प्लस होता है, प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, एक जैसी साइन प्लस जवाब देती है। अच्छा, अब दूसरी बात है कोफिशेंट कोफिशेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, इसका कोफिशेंट 4 है, इसका कोफिशेंट 7 है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। उसके बाद हम बेस को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ बेस है x² और यहाँ बेस है x³ और y⁴। इफ़ बेस आर सेम पावर इज एडिड, ये जो बेस हैं ये सेम है लिहाजा इनकी पावर सिर्फ ऐड हो जाएगी 2 और 3 5, और क्योंकि ये बेस y⁴ इसके साथ नहीं है, ये डिफरेंट बेस है लिहाजा ये एक साथ उतर जाएगा y⁴। 4